अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायोंस। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस में लेंथ यूनिट्स के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथ यूनिट्स को कवर किया था, जिसमें कि हमने स्टडी किया था पिक्सल को, ईएम, आरईएम और परसेंटेज। ये चार यूनिट्स हमने स्टडी किए थे जो कि हम थ्रू आउट अपने कोर्स बार बार यूज करेंगे। बाकी यूनिट्स को भी हम जब जरूरत पड़ेगी तब यूज किया करेंगे, लेकिन ये चार मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट्स हैं। आज की वीडियो में हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और इसमें ये छह जो इसकी वैल्यूज हैं इनको आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनहेरिट, इनिशियल और नन, ये डिस्प्ले की वैल्यूज को आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन से। मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और लास्ट टाइम हम यहाँ तक काम कर चुके थे, साथ ही मैं कोड एडिटर को भी ओपन कर लूंगा और इस कोड को रीसेट कर लूंगा ताकि हम शुरू से स्टार्ट कर सके। यहाँ तक मैं इसे खत्म कर दूंगा और यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस, और उसी के साथ मैं इसे भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे। फाइनली मैं यहाँ पे आके इसे भी रीसेट कर दूंगा, रिफ्रेश, और यहाँ पे ये कलेक्ट हो गया। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी सीएसएस में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसी एक प्रॉपर्टी के साथ हम ऑलमोस्ट अपने पूरे वेबसाइट की जो लेआउट है उसको मैनेज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाती है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको सिर्फ डिव उसमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी शो करके, तो इसमें ये सारी वैल्यूज इसकी सपोर्टेड वैल्यूज है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेक्स आ जाता है और ग्रिड आ जाता है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। इन्हीं को यूज करते हुए हम अपनी पूरी वेबसाइट की लेआउट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे zions.com को ओपन कर लेता हूं, तो इस वेबसाइट में जो भी एलिमेंट जहां पर भी प्लेस हुआ हुआ है वो सारा डिस्प्ले से मैनेज हुआ है। जैसे कि अगर मैं ये बात करता हूँ इस ऊपर टॉप हेडर की, हेडर सेक्शन की, तो यहाँ पे मेनली जो फर्स्ट है, फर्स्ट ब्लॉक जो है वो डिस्प्ले दिया गया है इसको, उसके बाद इस एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया गया है, यहाँ पे इस इमेज को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया गया है, उसके बाद इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया गया है, इन सेक्शंस को डिस्प्ले ब्लॉक दिया गया, उनमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, फ्लैक्स, ग्रिड, इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये पूरी वेबसाइट की लेआउट को डिजाइन किया गया। इसलिए डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की लेआउट बनाने में कोई भी इश्यू ना हो। यहाँ पे मैं एक कमेंट कर दूंगा ताकि हमें पता हो कि हमने कौन कौन सी इसकी वैल्यूज को कवर करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लॉक से, इसकी ब्लॉक वैल्यू से, फिर इनलाइन से, फिर इनलाइन ब्लॉक, उसके बाद इनहेरिट, इनिशियल, लास्टली नन, ये वैल्यूज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक से। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि HTML में दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक टाइप और उसके बाद इनलाइन टाइप। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो ब्लॉक टाइप एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग, मैं यहां पे P1 लिखता हूं और साथ में एक और पैराग्राफ टैग इंट्रोड्यूस करवाता हूं P2, उसे सेव करता हूं और यहां पे ब्राउजर में आके रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि P1 एक लाइन में आया और P2 दूसरी लाइन में आया। ये क्योंकि बाई डिफॉल्ट इनको जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लग रही है वो ब्लॉक की लग रही है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने फाइनल जो वैल्यू जो अप्लाई हो रही हो उसको चेक करना हो तो आप यहाँ पे कंप्यूटेड के टैब में आ जाएं और जिस एलिमेंट पे चेक करना है उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें। यहां से अगर आपका एलिमेंट्स कम है, अदरवाइज इस एलिमेंट सिलेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट करें और उस एलिमेंट को उस पर होवर करके क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटेड में जिस प्रॉपर्टी को आपने चेक करना है कि उसकी फाइनल वैल्यू क्या इस पे अप्लाई हो रही है, वो यहाँ पे सर्च करें
और आपको यहाँ पे फाइनल उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको डिस्प्ले ब्लॉक मिल रहा है और इसी की वजह से ये जो पैराग्राफ P1 वाला पैराग्राफ है वो एक लाइन में आ रहा है और जो P2 है वो दूसरी लाइन में आ रहा है। हालांकि ये दोनों एक लाइन में आ सकते थे, ये सिर्फ सिंपल टैक्स है, लेकिन क्योंकि इनकी डिस्प्ले टाइप ब्लॉक है इस वजह से ये दोनों सेपरेट लाइन में आ रहे हैं। हम किसी भी HTML टैग एलिमेंट की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ये वाला बिहेवियर दे सकते हैं कि वो एक सेपरेट लाइन में आए और उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कोई भी दूसरा इन लाइन एलिमेंट ना आए। मैं यहाँ पे रहूंगा और अभी तक हमें पता है कि जो स्पैन का टैग है ये इन लाइन है। मैं यहाँ पर इसे इन लाइन लिखता हूँ, इन लाइन स्पैन 1, रिफ्रेश करूंगा, अभी ये सेकेंड लाइन पे आ रहा है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि ये पैराग्राफ 2 जो P2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग, वो ब्लॉक टाइप का है और वो अपने आगे किसी और एलिमेंट को नहीं आने दे रहा, इस वजह से ये स्पैन नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करके 2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो इन लाइन स्पैन 2 होगा वो इसके फौरन बाद आएगा। रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि वो इसके फौरन बाद आया। मैं यहाँ पर ये इन लाइन स्पैन 1 जो है इसकी डिस्प्ले टाइप को यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में आता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो स्पैन एलिमेंट होता है, जो स्पैन का HTML टैग होता है, उसको डिस्प्ले इन लाइन की प्रॉपर्टी लगती है। मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और इसको बेसिकली इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह बिहेव करे जैसे ये पैराग्राफ टैग कर रहा है। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा कोड में और इसे क्लास दूंगा स्पैन 1, सेव करूंगा और यहाँ पे आके बेसिकली स्पैन 1 जो मैंने क्लास दी थी उसे सिलेक्ट करूंगा और उसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दे के उसे मैं कह दूंगा कि ब्लॉक आपने ब्लॉक की तरह बिहेव करना है। अब जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ब्लॉक पे सेट हो जाएगी वैल्यू इसकी, और उसके बाद ये जो इनलाइन स्पैन 2 है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये जब ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा तो ये अपने आगे किसी और इनलाइन एलिमेंट को नहीं आने देगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ गया और आप ये सोच रहे होंगे कि बेसिकली मैंने इसे ब्लॉक दिया है तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा मार्जन है, इन दोनों के दरमियान क्यों नहीं है? ये बेसिकली ब्राउजर का बिहेवियर है कि ब्राउजर जो पैराग्राफ टैग होता है उसको बाय डिफॉल्ट मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम असाइन करता है जो कि 16 पिक्सल होता है, आप यहां से देख सकते हैं। लेकिन स्पैन एलिमेंट क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है इस वजह से उनको कोई मार्जिन असाइन नहीं होता, मार्जिन पैडिंग या बॉर्डर नहीं असाइन होता। और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज की ओवरराइड की है, इस वजह से वो डिस्प्ले ब्लॉक की तरह बिहेव तो कर रहा है लेकिन मार्जिन क्योंकि उसको कोई नहीं असाइन हुआ इस वजह से वो नीचे वाले एलिमेंट को नीचे धकेल नहीं रहा, कोई मार्जिन अप्लाई नहीं कर रहा। डिस्प्ले ब्लॉक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन होपफुली आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, ये किसी भी एलिमेंट को फोर्स करेगा कि वो बिहेव करे कि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इसे कमेंट कर दूंगा और सेव करूंगा तो ये रिवर्ट हो जाएगा बैक अपनी जो इसकी इनिशियल स्टेट थी वहां पे, कि अब इसकी डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है वो इनलाइन पे वापस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो P2 टैग है, ये पैराग्राफ टैग जिसमें मैंने P2 लिखा हुआ है, ये भी इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करे। मैं यहाँ पर कोड में वापस आऊंगा और इसको क्लास असाइन करूंगा P2 क्योंकि इसका कंटेंट ये है। यहाँ पे स्टाइलिंग में आ जाऊंगा और .p2 इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दे दूंगा इनलाइन, सेव करूंगा और अब मैं जब यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये इसके साथ आगे आ जाएंगे, लेकिन इसको जो मार्जिन लगा हुआ है वो ऑलरेडी लगा रहेगा क्योंकि मार्जिन वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। मेरे सिर्फ इसे डिस्प्ले इनलाइन करने से इसका मार्जिन खत्म नहीं होने वाला, एक CSS प्रॉपर्टी की वजह से अनटिल अनलेस के दूसरी CSS की प्रॉपर्टी उस पे डिपेंडेंट हो उस केस में तो उसको फर्क पड़ता है, लेकिन डिस्प्ले और मार्जिन ये इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से जब मैं इसको इनलाइन करूंगा जब रिफ्रेश होगा तो इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इनलाइन सेट हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लॉक है,
उसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ उतनी ही जगह लेगा जितना कि इसका कंटेंट है। डिस्प्ले इनलाइन का एलिमेंट उतनी ही जगह लेता है जितना कि उसका कंटेंट होता है। उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन होती है उसके कंटेंट से। आप डिस्प्ले इनलाइन के एलिमेंट को मैनुअली विड्थ या हाइट नहीं दे सकते, और ये मैं आपको अभी करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले इन लाइन पे शिफ्ट हो गया और ये एलिमेंट एक दूसरे के बिल्कुल साथ है। लास्टली जो मैंने अभी बात की कि आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते जब आपने डिस्प्ले को इन लाइन पे सेट कर दिया। मैं सबसे पहले आपको इसे एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट दे के दिखाता हूं, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक पे सेट है। यहां पे मैं आता हूं, इसे क्लास देता हूं P1 की, सेव, यहां पे आके P1। और अगर किसी के जेहन में आ रहा है कि बेसिकली मैं P1 को ऊपर क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे हायरार्की को फॉलो कर रहा हूं। ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप CSS को अपनी HTML एलिमेंट्स की हायरार्की के साथ मैच करें। ओके, रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर आपके कोई CSS एलिमेंट एक कंपोनेंट है, ऑब्वियसली उसकी CSS सेपरेट होगी। और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट जो हमारे एडवांस लेक्चर्स होंगे उसमें स्टडी करेंगे कि हम जो CSS है उसको सेपरेट फाइलों में अलग कैसे कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कंपोनेंट बेस है, क्योंकि जो मॉडर्न जितनी भी रिएक्ट, एंगुलर, सारे ये कंपोनेंट बेस फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है, तो हम उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए लर्न करेंगे। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले, बेसिकली ये ब्लॉक ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे मेनली इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना चाह रहा हूँ। इससे यहाँ पे लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैराग्राफ को बाई डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक असाइन होता है। मैं इसे विड्थ दूंगा लेट्स से 400 पिक्सल और हाइट दूंगा 300 पिक्सल। और सिर्फ देखने के लिए कि इसको ये विड्थ और हाइट असाइन हो रही है, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा रेड का। सेव करूंगा, यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ये जो P1 वाला पैराग्राफ टैग है इसकी विड्थ जो होगी वो 400 पिक्सल तक हो जाएगी, हाइट 300 पिक्सल तक हो जाएगी और बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं कि वो इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पे मैं हाइट को थोड़ा कम कर दूंगा ताकि जरा इजी हो। नेक्स्ट, अब मैं ये सेम स्टाइल अप्लाई करूंगा P2 को, जो पैराग्राफ टैग 2 है उसको, क्योंकि मैंने डिस्प्ले इनलाइन मैनुअली सेट किया हुआ है वहां पर विड्थ और हाइट अफेक्ट नहीं करेगी। और ये सेम केस है किसी भी एलिमेंट के लिए जहां पे डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है वो इनलाइन पे सेट हो। जैसे ही आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को इनलाइन पे सेट करते हैं तो उस एलिमेंट की जो मैनुअल विड्थ और हाइट आपने सेट की होती है वो इग्नोर हो जाती है, और वो उतनी ही विड्थ और हाइट लेता है जितना के उसका कंटेंट रिक्वायर करता है। यहां पे आके अब मैं इसको सेम यही कॉपी करता हूं, सिर्फ कलर को चेंज कर दूंगा ताकि जरा आइडेंटिफाई करना आसान हो। सेव, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ और हाइट ने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। और यहां पर भी आके आप देख सकते हैं कि वो जो दो प्रॉपर्टीज है आप इस डेव टूल्स में से बहुत कुछ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी ग्रे आउट हो गई है, बेसिकली इनकी ओपेसिटी इस तरह लग रही है जैसे अप्लाई नहीं हो रही। और आगे ये साइन भी आ रहा है जो कि आपको एग्जैक्टली बता रहा है जो कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ और हाइट, ये दोनों को प्रिवेंट करती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने किसी एक एलिमेंट को इनलाइन रखना है लेकिन उसकी विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल करना है, वो हम अभी सीखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। अब हमें प्रॉब्लम का तो पता चल गया कि जब हम डिस्प्ले इनलाइन सेट करते हैं तो हम उसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस आएंगे कि आपको डिस्प्ले इनलाइन ही चाहिए होगा लेकिन उसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इस तरह के केसेस के लिए होपफुली आपने गेस कर लिया होगा चैप्टर इंट्रो से, जो प्रॉपर्टी हमारे काम आती है वो है इनलाइन ब्लॉक। मैं इसे चेंज करूंगा इनलाइन ब्लॉक में, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बिहेव एज इनलाइन एलिमेंट ही कर रहा है, कि इसके आगे दूसरे एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ इसने ब्लॉक टाइप एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी कुछ इनहेरिट कर लिया, कि ये अपने ऊपर विड्थ और हाइट की जो प्रॉपर्टीज है उनको इम्प्लीमेंट करने दे रहा है। और यहां पर भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि
कि ये दोनों प्रॉपर्टीज एक्टिव शो हो रही हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रॉपर्टी शो होती है। और लास्टली यहाँ पे कंप्यूटेड के टैब में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अब इसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इनलाइन ब्लॉक है। इसी के साथ हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की तीन वैल्यूज को अभी तक स्टडी कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी ट्रिकी टाइप्स को, जिसमें कि इनहेरिट और इनिशियल आता है। डिस्प्ले इनहेरिट से स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक जो वीडियो मैंने इनहेरिट, इनिशियल और रिवर्ट इन पे जो वीडियो बनाई थी, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी वैल्यूज क्या होती हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है, वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज पहले कवर कर लें, ताकि आपको इस वीडियो में इन वैल्यूज को समझने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे मैं शुरू से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां पे मैंने इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मैं क्विकली सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी बेसिक सी जो इंट्रोडक्शन है वो करवा दूँ। यहाँ पे मैं उनको मेनली यूज करके उनके केस को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्योंकि हमने वहां पे प्रॉपरली स्टडी किया था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये इसी तरह काम कर रहा है। और इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट, अनसेट, ये बेसिकली तमाम CSS की प्रॉपर्टीज में एज अ वैल्यू अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी जो डिस्प्ले टाइप इनहेरिट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको रीसेट करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसे भी रीसेट करूंगा। ये बेसिकली मुझे दो पैराग्राफ टैग्स चाहिए होंगे, उन्हें मैं रहने दूंगा, एक स्पैन टैग, इन चारों को रहने देते हैं, लेकिन इन सबको मैं रैप कर दूंगा डिव के अंदर। मैं इन सबको रैप करता हूँ डिव के अंदर, और इनको सिर्फ और सिर्फ मैंने पी और स्पैन की टैग जो क्लास है वो असाइन कर दिया। ओके, अब यहां पे मैं डिव को एक क्लास असाइन करता हूँ डिव, और यहां पे आके डॉट डिव करता हूँ। यहां पे मैं इसे कह देता हूँ, अभी कुछ भी CSS अप्लाई करने से पहले मैं आपको एंड रिजल्ट दिखा देता हूँ कि एंड रिजल्ट अभी क्या है। रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा एंड रिजल्ट है जो अभी करंट और जो बेसिकली डिफॉल्ट है, फुली डिफॉल्ट। इन दोनों को डिस्प्ले ब्लॉक लग रहा है, इन दोनों को डिस्प्ले इनलाइन लग रहा है। यहां पे मैं वापस आ जाता हूं। अब मैं जो डिव है इसको डिस्प्ले इनलाइन सेट करता हूं, सेव करता हूं, और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले जो डिव है उसको डिस्प्ले की क्या प्रॉपर्टी लगती है। उसको बाय डिफॉल्ट ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगती है, और यहां पे अभी के लिए मैं इसे कमेंट करता हूं और बैकग्राउंड कलर पहले लगा के आपको इस चीज को फुली क्लियर करवा देता हूं। लेट सेव, और यहां पे अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी अभी डिव है, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर शो हो रहा है। मैं यहां पे अब वापस आऊंगा, इस प्रॉपर्टी को अनकमेंट करूंगा, सेव, और यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैं जब डिव पे होवर करता हूं तो वो एलिमेंट्स तो सारे ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, कि बेसिकली वो दिखा रहा है कि मेरा कंटेंट ये सारा है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो सिर्फ इन दो इनलाइन एलिमेंट्स को लग रहा है। उसकी वजह बिल्कुल सेम है जो अभी हमने स्टडी की, कि जो डिस्प्ले इनलाइन के एलिमेंट हैं वो विड्थ और हाइट को कंसिडर नहीं करते, उनकी विड्थ और हाइट उनमें मौजूद कॉन्टेंट ही डिफाइन करता है, लेकिन ये जो डिस्प्ले ब्लॉक के एलिमेंट है ये कहते हैं कि हमें फुल विड्थ चाहिए और हाइट जितनी या तो आपने स्पेसिफाई की हो या इसके कंटेंट की हाइट उनको लगती है। इस वजह से ये दो, अगर आपका पेरेंट डिस्प्ले इनलाइन होगा और उसमें चाइल्ड जो होंगे वो डिस्प्ले ब्लॉक होंगे, अगर मैं इन दोनों को यहां से गायब कर दूंगा तो आपको जो बैकग्राउंड कलर है डिव का वो बिल्कुल शो नहीं होगा। मैं यहां पे आता हूं और इन दोनों को अभी के लिए कमेंट करता हूं, यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो आपको बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ही शो नहीं हो रहा। इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि आप ये जो हमारे पास डिव है इसको डिस्प्ले इनलाइन की जगह इनलाइन ब्लॉक करें। आपको बेसिकली किसी भी एलिमेंट पे इनलाइन प्रॉपर्टी चाहिए, ताकि वो उतनी स्पेस ले जितनी के रिक्वायर है, और साथ में कुछ भी उसके अंदर ब्लॉक एलिमेंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, ना कि डिस्प्ले इनलाइन। अब मैं यहाँ पे आके जब रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है, और यहाँ पे मैं अगर उसे वापस भी ले आऊंगा इन दोनों को, तो तब भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है जिस तरह के इसे करना चाहिए। ये एक और केस सिनेरियो था।
अब कंटिन्यू करते हैं जो हमारा एक्चुअल केस सिनेरियो है डिस्प्ले इनहेरिट वाला। और अगर आपने वो वीडियो जो मैंने रिकमेंड किया है वो देख लिया है तो आप ऑलरेडी गैस कर सकेंगे कि जब मैं पैराग्राफ टैग को इस क्लास के थ्रू जो कि मैंने दोनों की दी हुई है यहां पर आके डिस्प्ले, यहां पे अभी मैं इसको कमेंट करता हूं ताकि मैं आपको पहले दिखा सकूं कि इन दोनों को अभी फाइनल वैल्यू क्या लग रही है, ब्लॉक लग रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इनको डिस्प्ले इनहेरिट सेट करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि इन जो पैराग्राफ टैग्स हैं उनको जो प्रॉपर्टी, फाइनल प्रॉपर्टी, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी लग रही है वो इनलाइन ब्लॉक है। और यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इनहेरिट की वैल्यू है वो अपनी बेसिकली इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखेगा अपने पेरेंट में, और इन दोनों पैराग्राफ का जो पेरेंट है वो ये डिव टैग है। डिव टैग पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि आपकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो इनलाइन ब्लॉक है, उसकी वजह से ये दोनों भी इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इसी वजह से ये पहले इसने इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव किया, P2 उसके साथ आ गया, P2 भी इनलाइन ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। तो नीचे जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो span1 और span2, ये सिर्फ अभी इनलाइन एलिमेंट है, वो भी उनके साथ आ गए। ये हमारा इनहेरिट की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे इनिशियल की प्रॉपर्टी को, कि इनिशियल की प्रॉपर्टी क्या करती है। नेक्स्ट डिस्प्ले इनिशियल से स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने उस दूसरी वीडियो में भी इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि जब हम किसी भी CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू को इनिशियल पे सेट करते हैं तो उसकी वैल्यू वो सेट हो जाती है जो डिफॉल्ट, मतलब CSS स्पेसिफिकेशन, जो W3 CSS स्पेसिफिकेशंस है वहां पे डिफाइन की होती है, जो मेन CSS के लैंग्वेज के रूल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक URL विजिट करवा देता हूँ। ये URL है, ये आपको बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैप्टर एनिमेशन के स्टार्ट में भी ये मेंशन था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेनली जो W3 स्पेसिफिकेशंस हैं, CSS स्पेसिफिकेशन, ये डिफाइन करता है कि अच्छा किसी भी प्रॉपर्टी की जो इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है। और यहाँ पे डिफाइन है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो इनलाइन है। ओके, इसी से आपने होपफुली गैस कर लिया होगा। यहाँ पे अब मैं जब इसे सेट करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मुझे सबसे पहले इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, मुझे इसे ब्लॉक पे लाना पड़ेगा, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए। और पी टैग क्या कर रहे हैं, अभी इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब वो अपनी डिस्प्ले की वैल्यू अपने पेरेंट से ड्राइव करेंगे और पेरेंट में वो वैल्यू है ब्लॉक, और वैसे भी पी टैग की बाई डिफॉल्ट वैल्यू भी ब्लॉक होती है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो अभी के लिए ये एंड रिजल्ट है, मैंने इसको ब्लॉक यहाँ पे असाइन की। इनकी वैसे बाय डिफॉल्ट ही ब्लॉक होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने इनहेरिट पे सेट किया हुआ था तो वो अपने पेरेंट से ड्राइव कर रहे हैं जो कि खुद ब्लॉक पे सेट है, तो यहाँ पे ब्लॉक सेट हो गई। अब जब मैं किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को, लेट्स से कि P2 को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको एक स्पेसिफिक क्लास दी, यहाँ पे आ गया, इसको सिलेक्ट किया, ये मैं कट कर देता हूँ, और इसकी डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है उसको इनिशियल पे सेट कर देता हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया उस स्पेसिफिकेशन के टेबल में कि इनिशियल पे सेट करने का मतलब है जो W3 CSS स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें जो इसकी वैल्यू डिफाइंड है ना, डिफॉल्ट डिफाइंड वैल्यू, वो यहाँ पे सेट होगी, और वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है इनलाइन। तो इनिशियल सेट करने का मतलब यही है कि जैसे आपने इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इनलाइन सेट कर दिया है, लेकिन ये बेसिकली हर केस में नहीं है। जो दूसरी कोई CSS की कोई और प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि अगर मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी कह देता हूँ, उस पे जो इनिशियल की वैल्यू होगी अगेन वो होगी जो इस डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन है। ये एक्चुअल मेन डॉक्यूमेंटेशन है CSS की। मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये प्रीटियर मैंने जो कि पहले ही इंस्टॉल करवाया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर HTML इनवैलिड हो या फिर CSS इनवैलिड हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो ये जब आप सेव करते हैं और अगर वो ऑटो फॉर्मेटर जो हमने ऑन किया हुआ है उसके थ्रू ये आपको बता देता है, अगर ये रेड हो जाए इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल में कोई इनवैलिड सिंटैक्स है। यहाँ पे तो ये बहुत क्लियर था ना कि आपने बेसिकली ये प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया, उसकी ना कोई वैल्यू असाइन की और ये प्रॉपर्टी भी इनवैलिड है,
लेकिन HTML में ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे मैंने इसको इनिशियल पे सेट करवाया। यहाँ पे आके अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, सेकेंड जो पैराग्राफ टैग है P2, जिसको मैंने क्लास दी है, अभी मैंने यहाँ पे असाइन की है, रिफ्रेश नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही, उसकी करंट डिस्प्ले जो टाइप है वो ब्लॉक है, और यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी असाइन की है वो इनहेरिट है, इनहेरिट अपने पेरेंट से लेता है। यहाँ पर अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इसकी सेट हो जाएगी इनिशियल, लेकिन जो इसको फाइनल कंप्यूटेड वैल्यू लगेगी वो लगेगी इनलाइन, क्योंकि वो यहाँ पे सेट है डॉक्यूमेंटेशन में। इनिशियल का मतलब जो मेन डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन है। रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये आगे आ गए हैं उसके साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटेड में इनलाइन है और यहाँ पर इनिशियल, और ये इनहेरिट बेसिकली दूसरे CSS रूल में से आ रहा है जो फर्स्ट वन था। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, अब हम फाइनल जो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू आज की वीडियो में हमने स्टडी करनी थी उसे स्टडी करेंगे, जो है नन, और उसके बाद फाइनली मैं जो बात स्टार्ट की थी इनवैलिड HTML और CSS, उसको फाइनलाइज करके हम आज की वीडियो को फाइनलाइज करेंगे। अभी तक हमने डिस्प्ले की ये पांच प्रॉपर्टी वैल्यूज को स्टडी किया है, जिसमें ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनहेरिट और इनिशियल को स्टडी किया। इनके अलावा भी अभी बहुत ज्यादा डिस्प्ले की जो वैल्यूज हैं वो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन केस सिनेरियो होता है, जो कि काफी हद तक कह लेंगे आप जावास्क्रिप्ट पे भी डिपेंडेंट होता है, जो हम जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन आप काफी दफा वेबसाइट्स में ऐसे होता है, आप कोई चीज, कोई बटन क्लिक करते हैं और कोई मीन के पॉपअप होके आ जाता है आपके सामने, कोई मॉडल आ जाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट, आपने एक एलिमेंट को क्लिक किया और कोई दूसरा एलिमेंट विजिबल हो गया, आपके सामने आ गया। उसके लिए उस एलिमेंट का पहले इनविजिबल होना जरूरी है। अभी के लिए हम सिर्फ इनविजिबल वाला पार्ट क्लियर करेंगे, जो विजिबल करना के किसी एक्शन पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्शंस को हैंडल करती है, तो विजिबल करने वाला पार्ट वो हम जब जावास्क्रिप्ट के सेक्शन में पहुंच जाएंगे तब हम करेंगे। अभी हम उसका जो 50% है उसको कवर कर लेते हैं कि इनविजिबल कैसे करना है। उसके लिए मैं से यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमारा करंट जो स्ट्रक्चर है वो ये है, और लेट से कि मैं ये जो फर्स्ट जो स्पैन एलिमेंट है इसको यहाँ से हाइड करवाना चाहता हूँ, रिमूव करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा कोड में और इसे एक स्पेसिफिक क्लास दे दूंगा स्पैन वन, सेव करूंगा और यहां पर आके इसे क्लास सेलेक्टर से सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दूंगा, और हमारे पास वैल्यू है नन, और यहां पे भी लिखा आ रहा है कि द एलिमेंट एंड इट्स डिसेंडेंट्स जनरेट नो बॉक्सेस, मीन के ये जो हमने यहाँ पे, मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये जो हमारी HTML है ये यहाँ पर इंस्पेक्ट में तो शो होगी, यहाँ पे शो होगी, लेकिन ऊपर ये कुछ डिस्प्ले नहीं करवाएगी, डिस्प्ले नन, कि कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना आपने। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो एलिमेंट यहाँ से गायब हो गया है। मैं इस पे क्लिक अगर होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कोई भी एलिमेंट हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब वो डॉम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं दूसरे पे होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वो उसे पॉइंट कर रहा है कि ये जो एलिमेंट जिसपे आप होवर कर रहे हैं ये वाला एलिमेंट है, लेकिन इसको क्योंकि डिस्प्ले नन दिया हुआ है और फाइनल वैल्यू भी यही है इसकी कंप्यूटेड, तो इस वजह से ये डॉम में, ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसमें ये शो ही नहीं हो रहा। इसी के साथ हमने ये 6 की 6 वैल्यूज को कवर कर लिया है। नेक्स्ट, अब मैं आपको फाइनल जो हम बात कर रहे थे इनवैलिड HTML और CSS उस पर बात करते हैं और फिर आज की वीडियो को हम फाइनलाइज करेंगे। इनवैलिड HTML का क्या मतलब है? इनवैलिड HTML का ये मतलब है कि बेसिकली जो W3 स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मेन वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको W3 स्कूल ओपन करके दिखाया था और उसके अलावा MDN, ये बेसिकली 3 से 4 जो मेन कह लें डॉक्यूमेंटेशंस हैं। W3 स्कूल सबसे ज्यादा ईजी डॉक्यूमेंटेशन है, इसीलिए उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी कम है। MDN उससे जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और W3 ये बेसिकली मेन डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे रूल्स ऐड होते हैं और बाद में ये दोनों कॉपी करते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन है।
ये जैसे ही ओपन हो जाएगा हम तब तक यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इनवैलिड एचटीएमएल, एचटीएमएल में कुछ रूल्स हैं जिसको अगर आप ब्रेक करें तो आपकी एचटीएमएल को इनवैलिड कंसिडर किया जाता है कि ये सही एचटीएमएल नहीं है, जिसमें से कुछ एक दो रूल्स पे आपको अभी बता देता हूँ। बाकी और ज्यादा रूल्स जैसे जैसे आप कोर्स करते जाएंगे और वो आते जाएंगे कोर्स करते दौरान, मैं उनको मेंशन करता जाऊंगा। और फिर जब हम कुछ 5, 6 या 10 रूल्स को डिफाइन कर चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे, तो मैं उन पे एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको सारा कंटेंट एक जगह पे भी मिल जाए। अभी के लिए एचटीएमएल का एक रूल है कि आप एक पैराग्राफ टैग में दूसरा पैराग्राफ टैग यूज नहीं कर सकते। ओके, बेसिकली मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया और उसमें मैं एक और पैराग्राफ टैग यूज नहीं कर सकता, ये इनवैलिड एचटीएमएल है। मैं यहां से बाकी सबको रिमूव कर देता हूं और यहां पे मैं इसको कहता हूं पी इनर, और इसे भी। और आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इनवैलिड एचटीएमएल लिखी है, सेव किया है, यहां पे मुझे एज सच कोई एरर नहीं शो हो रहा। मीन कि अगर मेरे पास ये प्रीटियर ना होता, ये यहाँ पे रेड हो गया, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन ना होती तो मेरे पास और जानने का तरीका नहीं था कि भाई ये इनवैलिड एचटीएमएल है। ये भी मैं रिसेट कर देता हूँ। यहाँ पे आके अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आई है। मेरी इनपुट क्या थी, मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा था, इसमें मैं लिख देता हूँ पी आउटर, सेव, रिफ्रेश। मेरी इनपुट ये थी कि एक पैराग्राफ टैग था उसमें ये टेक्स्ट था, उसी के अंदर एक और पैराग्राफ टैग था जिसमें ये टेक्स्ट था, और ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आई है कि एक पैराग्राफ टैग बना है जिसमें पी आउटर लिखा हुआ है, उसके बाद वो क्लोज हो गया। दूसरा पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ है जिसमें कि पी इनर लिखा हुआ है, वो क्लोज हो गया, और ये तीसरा पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ये इनवैलिड एचटीएमएल की वजह से हुआ है, और उसी वजह से बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ ये वाला काम करता हूँ और सेव करूंगा तो ये फॉर्मेट भी नहीं होगा। मतलब प्रीटियर आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट नहीं करता अगर आपकी जो बेसिकली एचटीएमएल या सीएसएस है वो इनवैलिड हो। यहाँ पे मैं सेव करूंगा तो ये इसको फॉर्मेट नहीं करेगा। ये एक और तरीका जानने का कि अगर आपकी फॉर्मेटिंग काम नहीं कर रही, आप सेव करते हैं ये रेड हो जाता है, फॉर्मेट नहीं होता, इसका मतलब है कि आपकी जो एचटीएमएल है वो इनवैलिड है, वो गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। और एक मैंने रूल यहाँ पे बता दिया कि पी टैग्स नॉट अलाउड इन पी टैग इटसेल्फ। इसका तरीका क्या है कि आप मेनली डिफ को यूज करेंगे या कोई और, आप सेक्शन को यूज कर लें, डिफ को यूज कर लें, आर्टिकल को यूज कर लें, हेडर को यूज कर लें, किसी और एलिमेंट को यूज कर लें, इवन कि आप स्पैन को यूज कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ टैग नहीं आएगा। आप स्पैन के अंदर स्पैन लिख सकते हैं, ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्पैन आउटर, और इसके अंदर मैं स्पैन इनर लिख देता हूँ, ये अलाउड है, स्पैन इनर, सेव किया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये अलाउड है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेन के फॉर्मेट भी हो गया। यहाँ पे बेसिकली मैं फॉर्मेट करूंगा तो फॉर्मेट भी हो रहा है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपका कोड जो है वो वैलिड है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आउटर स्पैन, उसमें इनर स्पैन, और उसमें ये, इसकी जगह मैं डिफ भी यूज कर सकता था और वो भी सही काम कर रही है। रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी सही काम कर रही है। इसी तरह और भी काफी रूल्स हैं, लेकिन वो जैसे जैसे हम कोड्स करते जाएंगे मैं आपको डिफाइन करता जाऊंगा, और फाइनली जब हम काफी एक बेसिकली नोटिसेबल नंबर को कर चुके होंगे तो मैं उन सबको कंबाइन करके एक वीडियो कंटेंट बना दूंगा ताकि आपके सामने। अभी के लिए ये रूल हमने स्टडी किया कि पैराग्राफ टैग दूसरे पैराग्राफ टैग्स में अलाउड नहीं है, एरर आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। हम बहुत जल्द अपना सीएसएस का जो मॉड्यूल है उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।